हेलो दोस्तों भाई, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको, जावा और यूएसडी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो में कि जावा और यूएसडी क्या है, अपनी गाड़ियों में समय दर समय बदलाव करते रहते हैं, वैसे ही एक और नए बदलाव के साथ एक और नए वीडियो लेके आ चुके हैं। और उसके अंदर हम आज करने वाले हैं ये यूएसडी एडवेंचर जो कि न्यू 2024 के अंदर अपडेट हुई है, इसका एक डिटेल बैकग्राउंड रिव्यू करने वाले हैं। सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे बारीकी से कि क्या कुछ इसके अंदर बदलाव किए हैं, प्राइस में क्या डिफरेंस आया वो भी बताएंगे एक डिटेल्ड वॉकराउंड रिव्यू के। अगर आप भी पसंद करते हैं बाइक से एडवेंचर करना तो ये एक स्टार्टिंग लेवल की काफ़ी अच्छी बाइक हो सकती है और अच्छा एक वैल्यूएबल प्राइस भी मिल सकता है। कोई पसंद है यूएसडी की बाइक चलाना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड वॉकराउंड रिव्यू से। सबसे पहले हम फ्रंट लुक्स और ओवरऑल व्यू की अगर हम बात करें तो लुक्स वाइज देखोगे तो आपको सेम ही लगेगी, किसी भी तरीके का कोई खास हार्डवेयर बदलाव नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से। कंपनी यहां पर सेम ही सारी चीज़ें ऑफर करेगी जैसे कि पहले किया करती थी, वही आपको फुल एलईडी हेडलैम्प सेटअप के साथ में आगे की लाइट नज़र आएगी। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको कॉम्पैक्ट साइज़ के यहां ये एलईडी देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि पहले भी सेम यही देखने के लिए मिलते थे। बात करी जाए इसके टायर की तो यहाँ टायर जो है आपको टायर देखने मिलेगा 90x90 का 21 इंच का एक ट्यूब्ड टायर जिसके अंदर स्पोक व्हील होगा और यहाँ पर सबसे बड़े साइज का यहाँ डिस्क देखने के लिए मिल जाएगा। कंपनी यहाँ पर आपको रेयर और फ्रंट दोनों में ही ABS प्रोवाइड करती है, मतलब कि ये आपको गाड़ी जो है वो डुअल चैनल ABS में देखने के लिए मिलेगी। सस्पेंशन के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है, यहाँ पर भी आपको टेलीस्कोपिक वही सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं जो पहले की तरफ देखने के लिए मिलते थे। खास बदलाव जो आया है वो यहाँ इस पार्ट में आया है जैसे कि आपको थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी वही रखी गई है, कुछ भी फर्क यहाँ ये है कि अब यहाँ पर इस जगह पे जो आप टैंक पैड्स देखा करते थे वो रिमूव कर दिए गए हैं और साथ ही साथ कलर्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है। जैसे कि ये जो कलर है ये अभी मेरे साथ में बिल्कुल स्टार्टिंग बेस प्राइस वाला मॉडल है जिसमें कि आपको एक फुल मैट ब्लैक कलर में सिंगल टोन कलर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर किसी भी तरीके का डुअल कलर का यूज़ नहीं किया गया है। और फ्यूल टैंक के ऊपर दो चीज़ें बदलाव की गई हैं, सबसे पहला तो कलर ग्राफिक्स, साथ ही साथ यहाँ जो टैंक पैड्स आते थे उनको रिमूव कर दिया गया है इस जगह से। एड ऑन एसेसरीज आप इसके अंदर भी लगवा सकते हैं अपने शोरूम से जहाँ से भी आप यूएसडी परचेज करते हैं। बात करिए इसके इंजन की तो इंजन में हाँ बदलाव है, यहाँ आपको इंजन सीसी जो है वो वही सेम मिलेगा। यहाँ पर आपको इंजन जो है 334 सीसी सिंगल सिलेंडर 4-वॉल्व BS6 फेज 2 लिक्विड कूल्ड इंजन नजर आएगा जो जनरेट करेगा 29.6 PS की पावर एंड 29.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। थोड़ा बहुत नीचे की तरफ क्वालिटी में बदलाव किया गया है, क्वालिटी को और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश की गई है कंपनी की तरफ से, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। आपको यहाँ आप बिल्कुल ही फिनिश एंड मिंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे बल्कि से डिज़ाइन में ये नज़र आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको कवर करके रखेगा और देखने में और ज़्यादा ये सेफ फील होता है। रेडिएटर को थोड़ा सा छोटा किया गया है, रेडिएटर में यहाँ वैसे तो कोई स्पेसिफिक बदलाव नहीं है, बदलाव ये है कि इसको थोड़ा सा छोटा किया गया है। साथ ही साथ एक और चीज़ की गई है जो कि इसके कूलेंट की प्लेसिंग, लाइक कूलेंट का जो टैंक होता है उसकी प्लेसिंग जो थी पहले आगे हुआ करती थी, अभी क्या है अभी इस जगह पे ये पीछे की तरफ रख दी गई है। जैसा कि मैं दिखा देता हूँ इस जगह पे ये प्लेसिंग कर दी गई है, बाकी का और कोई चेंजेस नहीं है, चेंज जो है वो यही था। बाकी आप साइड पैनल्स पे देख सकते हो वही पहले की तरह ही एडवेंचर की बैजिंग नज़र आएगी। फर्क यहाँ ये आएगा, यहाँ आपको अब ये यूएसडी मोटरसाइकिल ट्राइब की बैजिंग कह लो या फिर यहाँ पर ये एक लाइन कह लो कंपनी की तरफ से लिखी में नज़र आ जाएगी। एक और बदलाव है इसके अंदर जो कि है अब इसका इंजन जो है बिल्कुल साइलेंट है, मतलब कि इंजन के अंदर कोई भी ज़्यादा भड़बड़ की आवाज़ नहीं नज़र आएगी और काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट साउंड निकाला गया है। बाकी पहले यहाँ देखोगे आपको इस जगह से ये पाइप जाता हुआ नज़र आएगा, एग्जॉस्ट सेम वही रखा गया है, किसी भी तरीके का खास बदलाव नहीं है। पीछे की तरफ से कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम ही सीट यूज़ की गई है, सेम ही रियर टायर और सेम ही नीचे के सारे पैनल्स यूज़ किए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस जो पहले था वही अब भी नज़र आएगा, ग्राउंड क्लियरेंस जो है 220 mm का नज़र आएगा जो कि पहले भी आपको वही मिलता था। साथ ही साथ सीट हाइट की अगर बात करी जाए तो 815 mm इसकी सीट हाइट नज़र आती है जो कि एक काफ़ी अच्छी सीट हाइट है। इस बाइक को 5'6" से लेके 6'2" या फिर 6 फुट तक के लोग ईजिली चला सकते हैं और बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप भी एडवेंचर करना चाहें तो। एक बदलाव और आया है जो कि होगा ये साइड पैनल्स, साइड में जो पैनल्स यूज होते हैं उनकी खाली डिज़ाइन वगैरह चेंज की गई है और उन पर आपको 69 वगैरह की बैजिंग नज़र आ जाएगी, उसमें बदलाव किया गया है, अभी फिलहाल लगे नहीं है, आगे जैसे ही लगेंगे वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी रियर लुक एक बार दिखा दूँ, रियर लुक में कोई खास बदलाव नहीं है,
वही सेम टेल लाइट, सेम ही एलईडी इंडिकेटर्स वगैरह आपको नजर आ जाते हैं। और ये साइड के जो रियर का जो ग्रैब हैंडल जो है वो आपको सेम वही देखने मिलेगा। और साइड में लाइक आपको कुछ एक्सेसरीज पार्ट लगाना चाहें या फिर बैग्स वगैरह या फिर टैंक वगैरह लगाना चाहें तो उनके लिए ये साइड पैनियर्स दे रखे हैं। बाकी का बात करिए रेयर टायर की, तो रेयर में पहले आपको सेम वही 130 सेक्शन का टायर मिलता था, यहाँ भी आपको 130/80 17 इंच का एक ट्यूब टायर नजर आएगा जो कि आपको स्पोक व्हील के साथ में देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्क आपको वही पहले की तरह ही एबीएस के साथ में देखने के लिए मिलेगा। डिस्क रेयर में भी दोनों ही आपको फ्रंट और रेयर दोनों ही डिस्क विद एबीएस नजर आएंगे। बाइब्री के डिस्क यूज किए जाते हैं मोस्ट ऑफ दी स्पोर्ट्स बाइक, एडवेंचर बाइक या फिर डेली यूज बाइक जो 150 cc से ऊपर जाती हैं, लगभग आपको सेम ही यही डिस्क नजर आएंगे जो कि होते हैं बाइब्री के। बात करिए इसके रेयर सस्पेंशन की, तो यहाँ आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा गाड़ी के नीचे। अगर बात करिए इसके ओवरऑल ऊपर से लुक की, तो ऊपर से लुक अगर मैं बात करूँ तो ऊपर से लुक वही सेम ही नजर आएगा। बदलाव यहाँ ये आएगा कि आपको डुअल टोन की जगह सिंगल टोन कलर में नजर आ जाता है। और ये सिंगल टोन में कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अभी चलते हैं इसके मीटर की तरफ। मीटर के अंदर आपको किसी भी तरीके का खास बदलाव नहीं आएगा, पहले की तरह ही आपको एक डिजिटल फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नजर आ जाएगा जिसके अंदर सारे ब्लिंकर्स जैसे फीचर नजर आ जाएंगे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगा, टर्न मीटर नेविगेशन मिल जाएगा, गियर ऑप्शन देखने मिल जाएगा और टाइम फ्यूल ऑप्शन साइड स्टैंड कट ऑफ जैसे और मोड्स वगैरह के फीचर नजर आ जाएंगे। वही सेम एडजस्टेबल डिस्प्ले यहाँ नजर आ जाती है, आप इसको थोड़ा सा रोटेट करके थोड़ा सा एडजस्ट आगे पीछे भी कर सकते हैं इजीली। सेम हैंडल बार नजर आ जाता है, हैंडल बार के ऊपर कोई बदलाव नहीं है। सेम स्विचेस नजर आते हैं, यहाँ आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा जिसके अंदर आपको टाइप सी और यूएसबी पोर्ट नजर आ जाता है जिसके अंदर इजीली आप अपनी डाटा केबल लगाओगे, या तो यूएसबी हो तो यूएसबी लगा के कर सकते हो, टाइप सी वाली हो तो आप टाइप सी वाली लगा के अपना फोन इजीली चार्ज कर सकते हो। यहाँ आपको दोनों ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी चीज है यजदी की तरफ से। बाकी इस बाइक का मैं एक बार आपको साउंड सुना के दिखा देता हूँ। हम करेंगे स्टार्ट, आप देख सकते हो इंजन में बिल्कुल साउंड नहीं, मतलब कि अभी इंजन के अंदर जो बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि इंजन बिल्कुल साइलेंट है। बाकी आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको साउंड कैसा लगा है यजदी एडवेंचर 2024 मॉडल आने वाली। अभी अगर मैं बात करूं इसके वेरिएंट्स की कि इसमें कितने वेरिएंट्स कंपनी की तरफ से आपको ऑफर किए जाएंगे, लगभग 3 से 4 कलर ऑप्शंस ऑफर किए जाएंगे इस बाइक में। ये जो मेरे साथ में है बिल्कुल बेस है जो कि सिंगल टोन में कलर आएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद आपको ब्लैक और मरून कलर की कॉम्बिनेशन के साथ नजर आएगा, फिर उसके बाद आपको ब्लैक और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में नजर आएगा, और उसके बाद ही आपको ब्लैक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में नजर आ जाएगा। तो टोटल 4 कलर ग्राफिक्स कंपनी ने इस बाइक में ऑफर किए हैं। बाकी मेरे साथ में ये बेस है। अगर बात करी जाए प्राइस की, तो प्राइस यहाँ पर आपको 2,09,900 समथिंग, मतलब कि 2,10,000 के समथिंग एक शोरूम नजर आएगा स्टार्टिंग। बात करिए टॉप एंड की, तो टॉप एंड आपको जाते जाते 2,19,000 समथिंग ऑन रोड, 2,19,000 तक आपको एक शोरूम नजर आ जाएगा यजदी एडवेंचर 2024 के अंदर। अब आप मेरे को बताओगे कि 2,09,000 से लेके 2,19,000 तक ये वैल्यूएबल प्राइस है या नहीं, एक ऐसी बाइक के लिए जो आपको दमदार इंजन दे, दमदार अच्छा खासा कंफर्ट दे और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लुक्स दे, ऐसी बाइक को आप इतने प्राइस में कंसिडर करोगे या नहीं करोगे। और आप अगर ऑलरेडी जावा या फिर यजदी की कोई सी भी बाइक यूज़ करते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप किस बाइक को लेके एडवेंचर करते हो वो ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी एडवेंचर करना चाहते हैं तो एक एंट्री लेवल अच्छी एडवेंचर बाइक हो सकती है। बाकी कैसी लगी है जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।